क्या हो गया भाई, धक्का लगाऊं भाई? हॉन्टेड रोड अब चालू हो चुकी है, थोड़ा पास पास रहना, कुछ भी हो सकता है भाई। सो देखो यहाँ पे हमें प्यारा बच्चों मिल चुका है। मैंने स्टोरी सुनी है वहाँ की, भूत दिखते हैं कुछ वहाँ पे बंदों को, दिखता है कभी कभार। सो हे गाइस, दिस इज दिलीप वकील एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई कैसे हो आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। तो फिलहाल मैं हूँ आपका अक्की भाई। सो गाइस, आज का सीन कुछ ऐसा है, हम जा रहे हैं गाइस दिल्ली का सबसे हॉन्टेड एरिया, वो है उसका ब्लॉग ये होने वाला भाई, हॉन्टेड ब्लॉग। तो फिलहाल हमारे साथ है ब्लैक पैंथर भाई, ये भी चल रहा है हमारे साथ। तो अभी का सीन कुछ ऐसा, अभी हम जा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसमें जो बोंटा पार्क वाली रोड है भाई, वहाँ पर एक पड़ता है चर्च। तो मतलब हमने बेसिकली बहुत सुना है कि भाई हॉन्टेड है, मतलब इतने सारे, मतलब हमने वहाँ का केस सुना है कि भाई इतना कुछ होता है। तो फिलहाल चलता है एक्सप्लोर करते हैं, मतलब देखते हैं कि क्या है भाई, हम भी कभी गए नहीं है। तो फिलहाल एक्सप्लोर करके आते हैं, वही है, मतलब देखेंगे भाई सीन कैसा क्या है वहाँ पे। मतलब यार इतनी स्टोरियाँ देखी ना यार मैंने वहाँ की, रियलिटी है कि नहीं, आज चलो चेक करते हैं। फिलहाल एक भाई हमारा आगे बाईपास पर मिलेगा हमें। सो गाइस चेक दिस, हमारे ब्लैक पैंथर भाई एकदम रेडी हैं खूंखार पंजों के साथ, देख सकते हो खूंखार पंजे पूरे। फिलहाल अपनी बच्चू भी वहाँ रेडी है, कॉप सारे भाई पीछे, फिलहाल कॉप शो, कॉप सारे भाई, हाँ कॉप सारे पीछे, फिलहाल कॉप सारे पीछे, इनका रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। कुछ निकाल निकल गए कुछ निकाल निकल गए तो चले पता है ना, चलते हैं फटाफट से, इसलिए वहीं मिलता आपको। एक भाई हमारा है बाईपास पे, तो फटाफट उससे मिलते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। ओके तो गाइस, अब मैं आ चुका अपने मोटर ब्लॉक सेटअप पे, और बगल में हमारे ब्लैक पैंथर भाई, सो अब साथ निकलते हैं। एक भाई हमारा बाईपास पे भाई वेट कर रहा है, क्योंकि प्लान आज का मैं नहीं बना था कि नाइट राइड करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी। जो बोंटा रोड वाली हमारी रोड है, वहाँ पर एक चर्च है, क्या है वहाँ पर ऐसा भाई, बहुत सी स्टोरी सुनी हमने वहाँ की, तो चलते हैं फिलहाल। सो ब्लैक पैंथर भाई थोड़ा फास्ट ले लो, वो बाहर खड़ा है। तो भाई आज का प्लान मैंने बनाया था फिलहाल मेरी वजह से कुछ काफ़ी लेट हो चुके हैं। सो फिलहाल अभी टाइम हो रहा है गाइस 10 बजे करीब हो रहे हैं, और 10 बजे ब्लॉग बन रहा है अभी, क्योंकि भाई बहुत सी स्टोरी सुनी है मैंने इतने लोगों से, मैं सुनता हूँ कि यार उस रोडों पे रात को कांड होते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं बंदों के साथ में। तो फिलहाल देखते हैं अभी हो क्या रहा है वहाँ पर भाई। हेलो, अरे कहाँ हो? बस आ गए पेट्रोल पंप पे, पहुंच गए भाई, पेट्रोल डलवा रहा है। आ गए बाईपास पे, आ गए ना? हाँ भाई मैं खड़ा हूँ, 2 मिनट हो गए। ठीक है आ गए हम, आ गए। सो फिलहाल यार ये बंदा मेरे पे फिलहाल गुस्सा कर रहा है, क्योंकि प्लान मैंने बनाया था गाइस, तो फटाफट चलते हैं फिलहाल। तो ब्लैक पैंथर भाई को तेल भी डलवाना है अभी, करवाते हैं अभी फ्यूल अप। मेरा तो पूरा प्रॉपर है, फिलहाल भाई को फ्यूल अप कराना है। सो फिलहाल पेट्रोल पंप वाले भाइयों से मजे लेता हूँ मैं। मेरा है भाई ये बाइक ना यार, हमें अरब का शेख समझती है। अरे यार सही में अरब का शेख नहीं समझती हमें चलो आराम से पंजा ना मार दे ब्लैक पैंथर आराम से चले। सो एक बार फिर से रेडी हो चुके हैं गाइस, आ जाओ आ जाओ। फिलहाल वो भाई हमारा, अरे अरे कालू भाई, कालू नहीं 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 कालू भाई नहीं यार, एग्जॉस्ट भाई ये होता है एग्जॉस्ट लगाने का साइड इफेक्ट, कालू चिपट गया भाई अभी। वेट 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 वेट, फोन आ रहा है मिश्रा जी, यार परेशान कर रहे हैं बहुत ज़्यादा फ़ोन करके फिलहाल, लेकिन क्या करें गलती उनकी भी नहीं है भाई, लेट मेरी वजह से हो चुके हैं यहाँ पे बहुत। मिलेगा हमारे एक राहुल भाई होंग के साथ, शायद ये खड़ा, एक मिनट यार ये लाइट पड़ रही है बहुत ज़्यादा, यही है क्या? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यही है जी। अरे फिलहाल ना सुनो, मैं कह रहा हूँ अभी बोंटा पार्क जा रहे हैं, जो चर्च है ना चर्च, हॉन्टेड चर्च, आज उसे एक्सप्लोर करता है, बहुत किस्से हैं वहाँ के कि मतलब भूत वूत होते हैं वहाँ, तो देख कर आता है क्या है वहाँ मतलब। चलो तो ब्लैक पैंथर हमारा ये जा रहा, और रूमर्स वाला आगे गया।
अरे गलत चले गया, गलत चले गया, गलत चले गया। इधर 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 कैंप से जाएंगे। कहाँ से चलना है? वहाँ से। हाँ चलो फिर यहीं से आओ। तो थोड़ी खेसते है गाइस अब। ओए होए भाई वो बाइक सच में सही भागती है। होंक पता नहीं सुजुकी की है होंक 250 और ये आरएस 200 भाई ये भी मतलब छीड़ते हुए निकलती है सच में। फिलहाल अभी अपनी बच्चू भी भाई पूरी तहलके में चल रही है सच्ची में गाइस। इसने भी यार तो भाई मचा रही है सीरियसली। फिलहाल एक भाई आगे हमारा रूमर्स वाला लेफ्ट में बैक ब्लैक पैंथर पंजे मारते हैं भाई साहब सबको। फिलहाल इनके इनके आगे से फ्लाई बाय निकालता हूँ अभी। तो भाई साहब 200 और एक 250 पीछे वो भी 160 की 160 सीसी ने पीछे देखो। ओ भाई साहब सही भाग रही है भाई। ओ भाई निकल गया यार निकल गया। थोड़े ट्रक भी बढ़ चुके हैं भाई थोड़ी सावधानी से चलाते हम। एक भाई अपना आगे जा रहा है ब्लैक पैंथर पीछे। यहाँ पे थोड़ा है सावधानी से भाई ये रोड़े घेर देती है सही में। विशाल भाई गलत ना निकल जाए यार। आराम से विशाल भाई लेफ्ट निकलना है। भाई साहब यार हमने सोचा नहीं था गाइस कि हमारी 10:30 बजे भी ऐसी राइड होगी भाई। सारा ट्रैफिक खत्म दिल्ली का और यही चीज हमारे लिए प्रॉफिट है। वरना यार दिल्ली में हम कसम से सच बता रहा हूँ बाइक चलाने का गाड़ी चलाने का मन ही नहीं करता गाइस। सबसे बढ़िया दिल्ली में भाई मेट्रो मेट्रो पकड़ो और निकलो अपना क्योंकि गाइस हालत बुरी हो जाती है गाइस सच बता रहा हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे अब साउंड आने वाली है। सो जो जहाँ थोड़ी बंद सी जगह होती है गाइस वहाँ पे मेरी बच्चू का साउंड एकदम नेक्स्ट लेवल चले जाता है क्योंकि गाइस मैंने इसमें फुल सिस्टम एग्जॉस्ट नहीं लगवाया है। इसमें मतलब मैंने बैंड पाइप को कटवाया है जो मेरा स्टॉक साइलेंसर था उसको कटवा के मैंने लगवाया ताकि कैटलेटिक कन्वर्टर ना निकले इसका और ज़्यादा साउंड ना हो। मतलब ठीक ठीक हो इतने में हमें मज़ा आएगा। जब ज़्यादा रैप करूँगा तब पूरा बाहर निकलता है इसका साउंड। मज़ा आ गया गाइस मज़ा आ गया यार मज़ा आ गया। मैं कह रहा हूँ ये टाइम सही है। सो भूल गया। और भाई साहब पूरी फैमिली ओ ओ ओ भाई 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 आराम से आराम से। फिलहाल मोटो जीपी वाली पूरी फील निकालते हुए यहाँ पे। तो इससे पहले आपने भाई देखा होगा उत्तराखंड की मोटो जीपी की मतलब पूरी लेन गेम चल रही है। हम दिल्ली में मचा देते हैं गाइस। सो ये निकला हमारा एक भाई ब्लैक पैंथर भी आगे। भाई ये बात तो सच है जब मैं अपनी बच्चों के साथ निकलता हूँ और कुछ मेरे ब्रदर्स मेरे साथ होते हैं तो पब्लिक रिएक्शन भाई नेक्स्ट लेवल पहुंच जाता है। अब पूछे भी क्यों ना दिल्ली के भाई हम इकलौते ऐसे हमारा ग्रुप है जिसमें रिएक्शन भर भर के मिलता है ना। नहीं रोड भी नहीं है टाइम भी सही हो गया टाइम भी लगा आने में। रोड भी बढ़िया मिल गई सोई सुई निकली गाड़ी। सो यहीं से राइट पे भाई जब दो दिक्कत आ जा रही थी अब मैं लगाऊंगा इसका कंपनी का।
चलो 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 चलो, हो गई ना मरीर। सो यहाँ पे कुछ मैटर हो चुका है गाइस, फिलहाल तो यार अभी डर मुझे इस चीज का लग रहा है कहीं कॉप्स ना टकरा जाए भाई हमें, क्योंकि मेरी बाइक पे एग्जॉस्ट लगा है। फिलहाल इतनी ज्यादा साउंड नहीं देती, लेकिन फ्लो फ्लो में मैं ज्यादा रैप कर देता हूँ तो निकल जाती है। सो अब हम टर्न हो चुके हैं लेफ्ट को, जो कि है पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो यहाँ को एक पहाड़ी रोड पड़ती है, यहीं को एक पहाड़ी रोड पड़ती है, यहीं पे है बस वो हॉन्टेड चर्च। क्योंकि गाइस अब मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, उसका हॉस्पिटल का मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता, शायद कोई हॉस्पिटल है, बस इतना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक हॉस्पिटल है। सो यहाँ पे बहुत से लोग एक्सपायर होते हैं मतलब हॉस्पिटल के अंदर, तो उनकी आत्मा यहाँ भटकती है। और एक मतलब चुड़ैल भी है, मैं बहुत ही पहले की स्टोरी बताता हूँ आपको। मतलब एक औरत थी, मतलब सॉरी एक लड़की थी, छोटी थी वो उस टाइम, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। उसकी शादी होने वाली थी, तो उसकी शादी से पहले भाई उन्हें उसे मार के इस रोड पे फेंका था, तो तब से ही उसकी आत्मा यहाँ भटकती है। ये गाइस मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सीरियसली स्टोरी बता रहा हूँ भाई। येरी हाँ मैं कह रहा हूँ भाई, हॉन्टेड रोड अब चालू हो चुकी है, थोड़ा पास पास रहना, कुछ भी हो सकता है भाई। चलो देख लो भाई, यहाँ पे पहले मैं एक बार लाइट बंद करके दिखाता हूँ भाई, पहली वैसी आ रही है। देखो लाइट तो बंद करो। चार दोस्त अपने साथ बाइक में चल रहे थे, तो सॉरी यहाँ की मैं स्टोरी बताता हूँ आपको। चार दोस्त कार में चल रहे थे, वो मतलब स्लो स्लो इसी रोड से निकाल रहे थे कार, और वो मज़े में चल रहे थे। तो होता ही है गाइस, उन्हें यहाँ पे एक चुड़ैल दिख जाती है सामने, और वो मतलब स्पीड में बढ़ाते हैं, चुड़ैल को उड़ाने की कोशिश करते हैं भाई। चुड़ैल अंदर से मतलब आगे का शीशा तोड़ के पीछे वाली खिड़की से उसके मुंडी निकाल के ले जाती है। और गाइस मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ये यहाँ पे भाई फिलहाल पूछते हैं भैया, यहाँ पे चर्च पड़ता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का उधर, कहाँ चर्च, चर्च कहाँ पर है? हंस के रहो भाई, भूत दिखाओगे क्या मेरे? भाई मैं बताऊँ, चर्च यहाँ से जाओगे ना, हाँ दो रास्ते जा रहा है, एक नीचे की तरफ जा रहा है, हाँ हाँ ना, एक सामने जा रहा है, हाँ बीच में एक रास्ता होगा पतला सा, अच्छा बीच में यही बिल्कुल पास में, ठीक है ठीक है। ना नीचे जाना ना उधर जाना है, बीच वाले में जाना है। हाँ जी आगे पुलिस बूथ का दी। सो देखो यहाँ पे हमें प्यारा बच्चू मिल चुका है, चलो बीच वाले से जाओगे ना आगे सर्किल आएगा, सर्किल से आगे जा रहा। भाई यार मैंने स्टोरी सुनी है वहाँ की भूत भूत दिखते हैं कुछ वहाँ पे बंदों को, दिखता है कभी कभार सरकटा सरकटा है। अरे एक चुड़ैल का भी सुना है मैंने यहाँ पे, यहाँ पे आ गई ओ भाई साहब भाई हमारे साथ में बिठाने यार, तभी डाले भाई मजे ले रहे यार यहाँ पूरे। चलो चलते हैं, अभी हमें जाना है, आ जाओ वो बोल रहा है ना, मेरे पीछे आ जाओ मैं बताता हूँ। एक रास्ता नीचे आ रहा है, ओ सॉरी वेट 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 वेट, हमें उस वाले पे लेना है, वो वाला वो वाला वो वाला, ये नहीं ये नहीं ये वाला। सो यहाँ से यार कैसे ही जाएं हम, समझ नहीं आ रहा यार। उधर वाला कह रहा था वो, उधर वाले पे जा सकते हैं, साइड 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 थोड़ा सा, उधर वाले पे कह रहा था वो, रॉन्ग तो नहीं होगा वो, चले देखते हैं आराम से आराम से आराम से आराम से, चलो निकालो। ये मुझे रॉन्ग साइड लग रही है, रॉन्ग है रॉन्ग है रॉन्ग है रॉन्ग है रॉन्ग है, ये वो देखो वन वे। यहीं से आ जाओ, देखते हैं फिलहाल फिलहाल देखते हैं जय श्री राम क्या ही होगा। फिलहाल चलो एक बंदा आके चलो, ओए ये देखो यार, ये
यार यहाँ पे दिखेगा नहीं तो क्या ही दिखेगा बताओ, मेरी तो फट रही है भाई अभी से ही। और अभी ज्यादा टाइम, ओए ये कौन है, अबे बंदे फाड़ रहे हैं भाई। मैं कह रहा हूँ ये जो बंदा आया था इसको देख के फट गई मेरी, इस बंदे को देख के फट गई बहन इसकी आंख मेरी। सो यार ये देखो गाइस, ओ भाई साहब सच में यार बहुत ही हॉन्टेड एरिया है ये, सीरियसली गाइस। ये देखो हॉस्पिटल, यहाँ दो दो हॉस्पिटल है भाई, मैं बता रहा हूँ आपको सच में, यहाँ बहुत सी मतलब डेथ्स होती हैं, उस चक्कर में यहाँ भाई भूत घूमते हैं सच में। ये देखो यार पूरी मतलब उत्तराखंड की वाइब्स आ रही है गाइस यहाँ इस रोड पे, और भूत मतलब यहाँ होते ही होंगे गाइस। अबे साथ साथ आओ यार, ये दूर क्यों चल रहे हैं, नहीं पता लगा है दोनों पीछे से भग लिए। मैं यहाँ देख के भाई, ओ भाई ओ ये रहा चर्च शायद, ओ भाई अब ये दोनों कहाँ है, अब ये दोनों कहाँ है, ओ भाई मैं रुक गया यहाँ पे। अबे अबे जल्दी मुड़, अबे रुक क्यों रहे हैं ये, अबे कर क्या रहे हैं ये भाई ये, ओ है इसकी टांग, रोक लो। ओ भाई कुत्ते ऐसे करे भाई, भगा ली मैंने यार भाई, भगा ले यहाँ से। ओए अबे यार मैं अकेला रुक गया यार वहां पे, ओए तुम रुक क्यों गए थे पीछे, तुम रुक क्यों गए थे पीछे, अबे मैं भैंस की टांग में चर्च में खड़ा हो गया, मेरी फट गई। ओ भाई 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 यार ऐसा मत करो यार, अबे तुम रुक क्यों गए हो, मैं चर्च के नीचे खड़ा हो गया, मैं मेरी फट गई यार वहाँ। आइडिया था भाई, धक 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 हो गई एकदम से, फिर जैसे मैंने बाइक मोड़ी ना तुम निकल गए कुत्ते यूं, आओ भाई मेरी फट गई यार। अबे यार कहाँ गंदा सीन कर रहा है, मैं चर्च के नीचे खड़ा हो रखा हूँ। हाँ हमने और जाम दी भाई की और भूत आ गया, बगल में मोर्चरी है तो एक मोर्चरी तो है जो लोग जानते हैं ना, जिसके मतलब नोन होते हैं उनकी यहाँ मोर्चरी है, यहाँ मोर्चरी में लोग ऐसे होते हैं। अच्छा अननोन बंदे ना उनको मतलब ऐसे गाल देते हैं। क्या चीज़ क्या 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 चीज़ यहाँ मोर्चरी है ना यहाँ पे। हाँ जो अननोन बंदे होते हैं ना जो, हाँ जो कोई जानता नहीं है लावारिस लास उसको गाड़ देते हैं। तो भाई बहुत भटकते हैं यहाँ पे हकीकत में, कुत्ते यूँ करने लग गए भाई हकीकत में, मेरी फट गई यार, फट गई भाई। अब भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा आगे से हॉन्टेड व्लॉग करने से। मैं ओए यार इन्होंने कसम से सीन बना दिया मेरा। अब कहाँ चले, चले सीपीपी चले कहीं, बताओ कहाँ चलना है। या तो एक काम करते हैं, सीपी जाने का फायदा नहीं है, अशोक बिहार चलते हैं, पंडित जी के पराठे वराठे वहीं चाय वाई मार लेंगे, पास 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 का पास और तेल की बचत। अशोक बिहार देख लो कितना विलंब कहाँ पड़ेगा, अशोक बिहार यहाँ पे हम यहाँ पे खड़े हैं, पहले जाजपुर जाना पड़ेगा। अबे यार तुम थोड़ा रोक के चर्च तो ले लेते, चर्च भी कैप्चर कर लेते, वो तो आ जाएगा। और चर्च यार मेरे मुंह के आ गई बताओ, चलो आ जाओ। चलो कैंप का रास्ता कहाँ से है, ओए रूमर्स वाला भाई हाँ चर्च दिखा देना थोड़ा सा यार, मैं कह रहा हूँ रोक के थंबनेल ले लेते हैं, थंबनेल बढ़िया आएगा, अब मजे मत लेना यार। ब्लैक पैंथर मैं कह रहा हूँ थंबनेल ले लेते हैं, गाड़ी रोक के वहां पे थंबनेल ले लेते हैं, थंबनेल भाई साथ रहो यार, तुम अलग अलग हो रहे हो कसम से, सही में सीन हो जाएगा ये भाई, ये भाई ना आइडिया था।
हाँ अरे अलग अलग मत रहो भाई, सीन हो जाएगा, थंबनेल ले लेते, रोक के गाड़ी। ओ भाई और डरावना यार मेरे साथ गाइस स्कैम हो गया, ये दोबारा से कुछ प्लान ना कर रहे हो। फिलहाल अभी का सीन ऐसा है, प्लान तो हमने करा है कि हम थंबनेल लेंगे यहाँ पे चर्च के पास। यार ये फिर हॉन्टेड सी एरिया शुरू हो रहा है, यहाँ भी रहे। ओ यार गाइस देखो, फिलहाल अभी का सीन कुछ ऐसा है भाई, एक हम थंबनेल लेंगे यहाँ पे, उसके बाद हम चलेंगे चाय पीने कॉम्प्लेक्स जीटीबी नगर। ये रहा चर्च, ये रहा, यहीं रोक लो, यहीं पे रोक लो बाइक। खंडर की तरह पता लग गया, ओ ये क्या चीज़ है भाई। आगे लाओ गाड़ी, थंबनेल ले यहाँ पे। नहीं वहां लगाएंगे बाइक, वहां पे पेड़ के पास फटाफट से एक फोटो लेंगे। बताओ लगाओ रूमर्स वाले भाई, इनके साथ स्कैम करते हम। लगाओ गाड़ी, लगाओ वहां पे भाई, इनके बस की नहीं है लगानी। लगाओ ना गाड़ी, लगाओ वहां पे। हाँ हाँ तो भाई इसके इनके साथ स्कैम करेंगे। लगाओ स्टार्ट करके भाई, ब्लैक पैंथर और मेरा प्लान है। रोक लो, मैं उतारता हूँ, मोबाइल निकाल रहा हूँ मैं। करो गाड़ी बंद करो, तब खड़े हो जाओ। चलो फिलहाल भाई उनके फटके चार हो गई है रूमर्स वाला भाई की। रुको 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 रुको, एक मिनट, गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है। अबे धुआं क्यों आ रहा है, धुआं क्यों आ रहा है, धुआं क्यों आया? अच्छा ये गाड़ी से धुआं ही आ गया। ऑन करो। भाई उसकी गाड़ी से धुआं आ गया सही में। क्या हो गया? वो तार मर गया, जल गई है। ये संकेत मिल चुका है हमें कि यहाँ से कल्टी खोलो। धुआं आ गया गाड़ी से, धुआं आ गया पूरा इतना भर के। अरे वो पहले भी आया था पर ये ना ये तार इसमें लग गई थी। मुझे लग रहा संकेत मिल रहा है यहाँ से निकल लो। नहीं पहले भी आया थी, आज तो पहली बार थोड़ा है ये मेरा तार का काम करवाने का। मैं ना आलसी हो रहा हूँ। चलो यार फटाफट से थंबनेल लेके फटाफट चलते हैं, पहले थंबनेल ले लो। ब्लैक पैंथर भाई वही मैं कह रहा था, आप हिंदू राव क्या हो क्या थंबनेल ले लो आप। मेरा तो फनी बना, मैं तो पूरा पहले उधर फनी बना हुआ। थंबनेल ना वो मिल जाएगा, हो जाएगा। चले तो फिलहाल एक बार आपको चर्च दिखा देता हूँ मैं, बच्चों मेरी यहाँ पे खड़ी है। फिलहाल सच में यार धुआं निकल गया गाड़ी से, यहाँ पे भाई धुआं निकल गया गाड़ी से कि भाई संकेत, भाई ये संकेत भी हो सकता है। निकल लो यहाँ से, भागते हैं भाई यहाँ से। उसकी गाड़ी से पूरा धुआं ही आ गया। ओए ओए पीछे क्यों खींच रहा है गाड़ी। चलो तो अब का प्लान कुछ ऐसा है कि अब चाय पीते हैं। क्या हो गया भाई, धक्का लगाऊं? कहाँ तक चलना है? चलो अच्छा गाइस। फिलहाल यहाँ पे हमें भाई मिले, इनकी हेल्प कर रहे हैं हम। फिलहाल धक्का लगाना मुझे ज़्यादा आता नहीं है, तब भी लगा देता हूँ।
भाई ये नाइट लाइफ कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों की। हमें कहाँ चलना है? इधर ही कहाँ चलना है? हमें कहाँ चलना है? यहीं पे हमें कहाँ चलना है? पीछे चलो, पीछे चलते फिर। चलो भाई चले जाएगा, अब कोई नहीं, यहीं तक कर दी भाई की हेल्प। चलो ऐसे गाइस कुछ दिल्ली वालों की नाइट लाइफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आते कुछ रिएक्शंस आते हुए। अरे ये है क्या? सो मेरे ख्याल से हम सुदामा पे आ गए। अरे रूमर्स वाला भाई, सुदामा है क्या? सुदामा ये सुदामा पैस की दिल्ली इंडस्ट्री का तहलका मचा रखा है इसने। क्या बैटरी खाता है? होता है, अंदर से सेटिंग होती है। अभी करता हूँ मैं तुम्हारा भी, इसको बंद ही रखो। चाय चाय खत्म, पीनी तो सुदामा की चाय थी। मेरे ख्याल से साइड हो जाओ। या तो यहाँ सीधा वहीं चलते हैं ना, अशोक बिहार देख लो, इधर कहीं देख लो। इंटर चुस्की वाला एंड रूमर्स वाला, क्या पीने? रूमर्स वाला चुस्की, ये रहा चुस्की वाला, रूमर्स वाला ये रहा चुस्की वाला। खत्म खत्म हो गया सब कुछ। तो बोले तू जाओ बंद हो गया। अरे मैं बहुत दिन सारा बंद था। अरे पानी नहीं पीना, बहुत दिन सारा मैं डेली सुबह सुबह आता था। जरा क्या हट गया भाई? सो फिलहाल भाई से थोड़े मजे ले जाए यहाँ से, दुकान वाले भाई के साथ। तो बंद हो गया। कुछ हटके रखते हो भाई? आगे चाय रखना है भैया, मेरे को रख देंगे चाय के ऊपर। अच्छा कुछ हटके रखते हो भैया? ऑन ही है भाई, हम तो ब्लॉगर हैं, ऑन ही रहता है। बताना मैं सब आपको फॉलो करता हूं। अच्छा इंस्टा पे करोगे? दिल्ली बॉय अक्की करके चैनल है मेरा, दिल्ली बॉय अक्की अक्की ए डबल के आई। आप लोग निक मदान के नाम से YouTube पे सर्च कर सकते हो, सॉन्ग आते हैं अपने। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अभी सैड सॉन्ग आया प्यार क्यों किया के नाम से। प्यार क्यों किया अभी आप लोग क्यों किया? क्यों किया भाई? अगर हम आपके सॉन्ग्स लगाए अपने वीडियोस में, कहीं भाई दबाके कॉपीराइट दे रहा है? ना ना डालना भैया, मेरे यार वैसे तो मेरे में YouTube पे डालो निक मदान प्यार क्यों किया। तो फिलहाल भाई क्या बना रहे हो अभी? सब कुछ सब कुछ सब कुछ हां जी सब कुछ निक मदान। अच्छा हां प्यार क्यों किया, घर मजा आ जाएगा भैया। आपकी देखी है भैया मैंने आपकी YouTube? किसकी? मेरी? हाँ मैंने पहचान ली भैया आपकी, मैंने नाम पढ़ा। ठीक है थैंक यू भाई। अरे नहीं यार बिल्कुल बिल्कुल अच्छी फीलिंग आती है आपकी, मैंने देखी थी एक बार सर, आप ना किसी की हेल्प कर रहे थे वहाँ पर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल हेल्प कर रहा था। अब फेस अभी आपसे हम रिवील भी नहीं करा सकते ना, अभी आपका वो आना तो। मेरा प्यार क्यों किया आ गया आ गया आ गया। व्यूज भी सही जा रहे हैं भाई के 3 वीक में।
बढ़िया बढ़िया, कोई नहीं भाई, सुनेंगे हम। हाँ बिल्कुल भैया, आपने सुनना नहीं, सुनाना है। सुनाना है बिल्कुल भैया, सुनाना ज़्यादा है। कॉपीराइट मत देना भाई, बस सुना देंगे हम बिल्कुल। मेरी कोशिश रहेगी, मैं देखो मेरे पे रिलीज है, मेरे को उम्मीद तो नहीं कि मैं ऐसी हरकत करूँगा, लेकिन ये कि मैंने तो चाहता हूँ ऐसी हरकत कराया। मेरे को उम्मीद है मैं ऐसी हरकत करती हूँ। नहीं नहीं यार, गाना रिलीज किया ठीक है, ट्यून बोर्ड से ना हमारा ही होता है रजिस्टर्ड वगैरह होता है, उससे कहते हैं स्पॉटिफाई वगैरह पे डलता है ठीक है। मेरे को कॉपीराइट क्लेम मेरे गाने का ही। अच्छा जी, वो भी मेरे चैनल पे मेल वेल डाली, पता है क्या रिप्लाई आया? अगर आपने अब मेल डाली और आपकी मेल में हमें कुछ भी ऐसा लगा कि जो हमारे को कंफर्टेबल नहीं है, आपका गाना रिमूव कर देंगे। अच्छा, मजाक नहीं कर रहा, पता कैसे डाली थी मेल? जय माता दी। मैंने कॉपीराइट नहीं देख सकते, वो भी अपने गाने पे, अपने चैनल पे, अपने कंटेंट पे कॉपीराइट देख रहे हो। ठीक है भैया, लेकिन वो रिस्क था, बहुत गंदा रिस्क था। फिलहाल मेरा चैनल यहाँ खत्म हो गया, अभी परसों ही स्ट्राइक आ गई चैनल में, खत्म चैनल, अब दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ। बैड मोमेंट था। चलो फिर चलें, क्या करना है? घर से ऐसा खाना पेल के आ रखे हैं, अभी फिलहाल तो अभी भूत देखने आए थे चर्च में। भाई बोले भूत भूत। अरे चाय पे देखे तो चाय पे तो चलो ठीक है। मेरा दिल्ली बॉय अक्की, दिल्ली बॉय अक्की। हाँ जी, मैंने देखा था, पता कैसे रैंडम जैसे यूट्यूब की वीडियो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चारा उतारना है। देखिए बहुत देखता हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, बस कभी जैसे खाना खाने उतरे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है भाई, मिलते हैं फिर, अब तो आते रहेंगे। बिल्कुल भाई, ओके ठीक है भैया, ओके ओके। सो भाई, जहाँ पे कुछ सब्सक्राइबर्स मिले थे मेरे, फिलहाल अभी चो चाय नहीं मिल पाई हमें, ये दोनों कहाँ चले गए? वो रे, तो देख सकते हो सब्सक्राइबर्स हमारे भाई मिलते ही रहते हैं, मैं बंदों को नहीं जानता। मुझे लगता है मेरा चैनल रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, लेकिन यार चैनल इतना तगड़ा रिस्पॉन्स करता है, मुझे बहुत लोग जानते हैं सच्ची में। फिलहाल निकलते हैं यहाँ से, चले फिर चले। सो चाय वाला धरी है, पीते हैं उससे चाय वाई थोड़ी, अब एनर्जी लेते हैं ना गाइस, उसके बाद सीधा हम निकलेंगे घर को। अभी फ़िलहाल जब हम उस रोड से आते तो हमें यहाँ पे दिखा था, फिलहाल उम्मीद तो है इस पे कि हमें चाय मिल जाए, और अगर नहीं मिलेगी तो भाई सीधा घर को लेंगे कल्टी, इसके बाद कुछ नहीं। तो पूछ के आता हूँ मैं, चाय है इस पे या नहीं, फिलहाल वेट एक मिनट, यहीं पर रुको, पूछ के आया मैं। भाई चाय मिल जाएगी? हाँ जी चाय मिल जाएगी। क्या नहीं है? नहीं है, घर ही निकले, उसका हमें कुछ नहीं मिली। फिलहाल रूमर्स वाला भाई है यहाँ पे हमारे, जा रहे हैं वो। ठीक है फिर निकलो, आप आराम से आना, ठीक है, कॉल कर देना घर जाके, जितना व्लॉग करना था कर लिया। ठीक है भाई, जा रहे हैं आप? ठीक है ओके, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे मज़ा बहुत है ना नाइट राइड पे, हाँ हाँ, मेरी मेरी लेके तुमने फली फनी वीडियो बना दी। चलो चले गए, हम भी निकलते हैं। ब्लैक पैंथर भाई और मैं भी निकल रहा हूँ घर को। तो गाइस ऐसा कुछ है भाई, अभी राइड करके हम आ चुके हैं, फिलहाल तो चाय ढूंढ रहे थे, चाय तो मिली नहीं। फिलहाल ब्लैक पैंथर भाई है, अभी अभी यहाँ से निकल रहे हैं, छोड़ गए भाई, जा रहे हैं हम लोग, निकलते हैं अपने घर घर सोने। बिल्कुल बिल्कुल यार, रात अभी टाइम क्या हो रहा है? टाइम भी काफ़ी, मेरे ख्याल से काफ़ी हो गया, टाइम हो गया 12:10 भाई, 12:10 बज गए। और 12:10 वैसे हम यार हमेशा मॉर्निंग राइड करते हैं, लेकिन यार नाइट राइड में मज़ा आ गया पहली बार। नहीं यार ये बताओ, पहले बताओ ये वहाँ चर्च के पास भाई, ये प्रैंक था, ये
उमर भाई का प्लान था, उसने बोला था कि भाई हम रुक जाते हैं और इसको आगे जान देते हैं, फट के वापस पीछे आएगी। और भाई सब से मैं यार वहां खड़ा हो रखा चर्च के नीचे और यार ये पीछे भाई कसम से फट के भाई वापस आया। फिर उसके बाद भागे कुत्ते, यूं करे वो आपको वीडियो में दिख जाएगा तुम्हें, जब तो आप पर एकदम भाई जब तुम वहाँ से गए थे ना आगे को, तो कुत्ते ऐसे पता नहीं कर रहे जैसे कुछ है वहाँ पे, वीडियो में दिख जाएगा तुम्हें, वीडियो में दिख जाएगा भाई। ऐसे छोड़ा मत करो यार ब्लैक पैंथर भाई। चलो चलो ठीक है, बाकी अब निकलते हैं घर को। आई होप आपको ये ब्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा, इन्जॉय करा होगा आपने काफ़ी। तो मिलता हूँ आपको फटाफट से नेक्स्ट ब्लॉग में, तो तब तक के लिए गाइस थैंक यू सो मच and bye bye and good night।